रोशनी अभी रेडी? ओके रोल या। नमस्कार, पर्दा फाश में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिशिका झा और आज होने जा रहा है टीवी का सबसे बड़ा, सबसे हैरतअंगेज खुलासा। जी हाँ, महीनों की खामोशी के बाद महर्षि अग्निदेव करने जा रहे हैं सबसे बड़े स्कैम पर से पर्दा फाश। 400 करोड़ का ये स्टॉक होम्स आम डील स्कैम जो इसी आश्रम में प्लान किया गया था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं स्वामी जी से। आइए स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बेकरार है आपके इस खुलासे के बारे में जानने के लिए। आज तक मैंने इस विषय में हमेशा चुप्पी साधे रखी है, किंतु अब मेरी अंतर आत्मा इस असत्य का बोझ और नहीं उठा सकती, इसलिए अब मैं उन मंत्रियों के नाम लेने जा रहा हूं जो इस स्कैम में शामिल है, जिनका हाथ इस स्कैम में है। सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगा जिसने यार। त्रिशिका, इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पे तुम्हारी आंखें जल रही हैं। किस बेवकूफ ने इसे शो का होस्ट बना दिया है यार। मेरी आंखें भी जल रही हैं। खिड़कियां खोल दो। दवे माय फ्रेंड। केडी, तुम यहाँ कैसे? मुझे स्वामी अग्निदेव ने बुलाया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद में कई लोग उन पर मानहानि का दावा करने वाले, इसलिए एडवांस में ही बुला लिया मुझे। एक्सक्यूज मी। केडी रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों, अंदर क्यों नहीं जा सकता? हाई लेवल सिक्योरिटी मेंटेन करना है। शायद तुमको पता नहीं है कि स्वामी जी को जान से मारने की धमकियां मिली है। ठीक है, इंटरव्यू खत्म होने का वेट कर लेता हूं। वैसे बड़े जिद्दी हो तुम दवे, बिल्कुल उस जिद्दी इंस्पेक्टर की तरह। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पहेली है उसकी, सुना चाहोगे? सुनो, वो जिद्दी इंस्पेक्टर, उसने ठान लिया कि जब तक मैं जंगल से शेरा डाकू को पकड़ के बाहर नहीं लाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, घुस गया जंगल में। 8 दिन तक भूखा पैसा घूमता रहा अंदर, लेकिन शेरा डाकू हाथ में नहीं आया। भूख से बेहाल नदी के तट पर पहुंचा। नदी के उस पार आम का पेड़, ये बड़े बड़े आम लगे हुए थे। बस एक आम काफी था दबे उसके जिंदा रहने के लिए। ये बताओ कि नदी के पार वो गया कैसे, कैसे उसने वो आम को पाया? केडी, क्या बचकानी पहेली है, नाव से गया होगा। अरे सॉरी यार, मैं तो बताना ही भूल गया, वहां कोई नाव ही नहीं थी, ना कोई ब्रिज थी, नाव से तैरना आता था। फिर वो इस पार से उस पार लगे आम तक पहुंचा कैसे? सोचो कैसे पहुंचा होगा। थिंक, एक मिनट, अभी सोचो मत, अभी सूंघो। अंदर से आ रही है बू, आई थिंक चल के देखना चाहिए। चल। सब कैसे?
किसने किया इसे? तुम्हारे हाथों पर ये, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। स्वामी को या नहीं? कौन? ये फोन किसका है? मैंने पूछा ये फोन किसका है? तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है, पता नहीं, ये मेरा फोन नहीं है। स्टॉप, ये क्या कह रही हो त्रिष्का? ये फोन तुम्हारा है? मेरा फोन नहीं है, मैंने कहा ना। झूठ क्यों बोल रही है? फोन तुम्हारा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा फोन नहीं है, मैंने कहा ना। मैंने कुछ नहीं किया, स्वामी को नहीं मारा मैंने, कुछ को नहीं किया मैंने, नहीं मारा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशिका प्लीज रोना बंद करो। देखो मैं तुम्हारे बुलावे पर यहां तो आया हूं, लेकिन तब तक तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा जब तक मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मैंने कुछ नहीं किया। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर स्वामी जी के कमरे में उनके अलावा 5 और लोग थे, लेकिन खून तुम्हारे हाथों पे था। वो फोन जो आया वो भी तुम्हारे सेलफोन पर आया, इसकी वजह क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो खेड़ी, मुझे बचा। त्रिशिका, स्वामी जी के हाथों पर 124A खुरेदा गया था, ये उसकी फोटो। इस नंबर से तुम्हारा कोई नाता, कोई कनेक्शन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। Are you sure इस नंबर के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं? नहीं। तुम स्वामी जी को पहले से जानती थी? पहले कभी मिली थी उन्हें? नहीं, मैं तो उन्हें पहली बार मिली थी वो इंटरव्यू लेने के लिए। Your Honor, जनवरी 2 दोपहर के 3:15 एक बंद कमरा जहां विश्व विख्यात स्वामी अग्निदेव दुनिया के सामने एक बहुत बड़े स्टॉकहोम आर्म्स डील स्कैम पर से पर्दा हटाने वाले थे। कमरे में उनके अलावा 5 लोग, उनका सेवक आत्मानंद और पर्दाफाश का टीवी क्रू, उसकी डायरेक्टर रोशनी दत्ता, कैमरामैन सत्यम त्रिवेदी, लाइट मैन आर के नायडू और होस्टेस त्रिशिका झा।
कमरे के बाहर पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी तैनात। इंटरव्यू के एक घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो योर ऑनर, जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि ये सब लोग बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे। आसन पर स्वामी जी की लाश थी, लाश पर खंजर का गहरा घाव और हाथ पर 124 से 124 ए गड़ा हुआ था, उन्हीं के खून से। और वो खून आपको किसके हाथों पर मिला? त्रिशिका के। और उस समय स्वामी जी के सबसे करीब वही थे, इसी ने मारा स्वामी जी को। इंस्पेक्टर दवे, हम दोनों वहां थे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने त्रिशिका को स्वामी जी की हत्या करते हुए नहीं देखा। मैं जानता हूं केडी कि ये ना तुमने देखा ना मैंने देखा, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि सिर्फ त्रिशिका के हाथों पर स्वामी जी का खून था। राइट, मैं तो भूल ही गया। Let me shake your hand. अरे वो मेरा पेन, मेरा पेन कहाँ चला गया? Your Honor, मेरा लकी पेन था, एक राइटर को मैंने फांसी से बचाया था, उसी ने दिया था मुझे। कहाँ गया पेन? केडी, ये अदालत है, कोई क्लासरूम नहीं। एक सिली से पेन के लिए सबका वक्त जाया करना बंद करो। सिली नहीं माया, मैंने कहा ना तुम्हें मेरा लकी पेन था। दबे, मैं जानता हूं तुमने लिया मेरा पेन, लौटा दो। मैं तुम्हारा पेन क्यों लूंगा केडी? तबे, अगर तुमने मेरे पेन की चोरी नहीं की तो तुम्हारे हाथों में मेरे पेन की स्याही कैसे आई? ये तुमने लगाई अभी? Exactly. Your Honor, इंस्पेक्टर दवे ठीक कह रहे हैं, मैंने ही इनके हाथों में स्याही लगाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पेन चुराया है। ठीक इसी तरह किसी ने त्रिशिका के हाथों में स्वामी जी का खून लगाया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि त्रिशिका ने उनकी हत्या की है। ऑर्डर, ऑर्डर। Your Honor, ये सिर्फ एक थ्योरी है और थ्योरी के बेसिस पर किसी ने आज तक केस नहीं जीता। केसेस जीते जाते हैं फैक्ट्स के बेसिस पर, और इस केस का सबसे बड़ा फैक्ट है त्रिशिका का ये फोन। त्रिशिका के फोन पर अननोन नंबर का अनट्रेसेबल कॉल आया, जो आपने भी सुना। क्या वो सबूत नहीं? नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ये सबूत नहीं हुआ। और आप भी तो मेरी बात से सहमत है ना? मैं? हाँ, आप ही ने तो कहा था मुझे जब हमारा प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि आप ये केस हार जाएंगी, क्योंकि आपका मन कहता है कि त्रिशिका बेगुनाह है, याद है? मैंने? अरे आपने कहा था मुझसे। What? मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा था मुझसे। केडी, क्या तुम कोई महात्मा हो कि जो तुम कहोगे वही सच होगा? नहीं, मैं महात्मा नहीं हूँ। तो क्या वो शख्स महात्मा है जिसने अननोन नंबर से, अनट्रेसेबल नंबर से त्रिशिका के सेलफोन पर फोन किया, जिसके बलबूते पर आपने इस लड़की के खिलाफ इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया है? कमाल है मिस माया फर्नेस, एक कहे दूजा से, ये कहां का इंसाफ है? Your Honor, सबूत मिलने से पहले स्वामी जी की लाश मिली, इसलिए हम सब जानते हैं कि स्वामी जी की हत्या हुई है, पर कैसे ये कोई नहीं जानता, किससे ये भी कोई नहीं जानता। Your Honor, there is no murder weapon. फिर ये खून हुआ कैसे? और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर रस्तोगी को। डॉक्टर रस्तोगी, आपकी टीम ने इस वारदात की जांच की है, अदालत को बताइए कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी। योर ऑनर, स्वामी अग्निदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन पांचों को जांचने के बाद फोरेंसिक को यकीन है कि सबसे पहले उस कमरे में हैलोथेन गैस के डेरिवेटिव से उन सबको बेहोश किया गया। ये गैस हवा की तरह होती है, I mean, इट्स इनविजिबल। उसके बाद किसी ने बेहोश स्वामी जी के छाती पर चाकू से वार किया जिससे वो मर गए, और उसी चाकू से उनके हाथ पर ये नंबर 124A कुरेदा। डॉक्टर रस्तोगी, क्या मेरा ये कहना ठीक रहेगा कि हैलोथेन गैस का असर हर इंसान पर समान होता है और उतने ही समय तक? जी। तो क्या त्रिशिका इंसान नहीं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि त्रिशिका ने बेहोशी की हालत में स्वामी की हत्या की?
ऑर्डर ऑर्डर जी, इसका खुलासा करना मेरा नहीं, आप वकीलों का काम है। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी। और अब मैं अपना काम करते हुए अदालत पर यह जाहिर करना चाहता हूँ कि स्वामी जी की मौत के बाद त्रिशिका की पूरी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन इन पर से कोई चाकू या हेलोथेन या किसी और गैस का कंटेनर नहीं मिला। कोई बेवकूफ ही कत्ल के बाद हथियार को अपने पास रखेगा। त्रिशिका ने वो चाकू फेंक दिया होगा। राइट, फेंक दिया होगा, लेकिन कहाँ? मिस माया फडनिस, कमरे में या बाहर आंगन में? योर ऑनर, पुलिस ने वारदात के बाद पूरे आश्रम की बड़ी बारीकी से तलाशी ली, उन्हें भी वहां कोई चाकू या गैस का कोई कंटेनर बरामद नहीं हुआ। योर ऑनर, देयर इज नो मर्डर वेपन। इस केस में मेरे शुरू से तीन सवाल हैं। एक, वो गैस एक बंद कमरे में आई कहां से? दो, स्वामी जी को मारने वाला हथियार गायब कैसे हुआ? तीन, स्वामी जी के हाथ पर वो 124A क्या है? युराना बाना, आपके पहले दो सवाल एक पहेली हैं, लेकिन वो तीसरा सवाल, उसका जवाब खुद हमें त्रिशिका बताएंगी। त्रिशिका, मुझे नहीं पता कि 124A क्या है, मैं नहीं जानती। तो फिर इस 124A पर मेरी अगली गवाह पर्दाफाश की डायरेक्टर रोशनी दत्ता कुछ रोशनी डाल सके। इजाजत है। 124A, ये नंबर क्या जाना पहचाना है? जी, ये त्रिशिका के फ्लैट का नंबर है, सुमन अपार्टमेंट का। त्रिशिका, स्वामी जी के हाथों पर 124A खुरेदा गया था, इस नंबर से तुम्हारा कोई नाता, कोई कनेक्शन? मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये उनका खुद का फ्लैट है? जी नहीं, यहाँ ये किराए पे रहती है। इसके असली मालिक शांति दूत ट्रस्ट है, यानी कि अग्निदेव। मैं तो उन्हें पहली बार मिली थी वो इंटरव्यू लेने के लिए। ये बात मुझे खुद त्रिशिका ने बताई है, मुझे नहीं पता वो ये झूठ क्यों बोल रही है। नहीं, मैं स्वामी अग्निदेव को नहीं जानती थी, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। रोशनी झूठ बोल रही है। त्रिशिका, झूठ मत बोलो। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। तुम्हारी क्लाइंट खुद फंस रही है केनी। ये है त्रिशिका के वोटर आईडी की कॉपी, जिस पर त्रिशिका का एड्रेस साफ लिखा है 124A। योर ऑनर, 124A मेरी असिस्टेंट मिस नियति शर्मा के बंगले का नंबर भी है। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि नियति ने स्वामी जी का कत्ल किया? डेफिनेटली नॉट योर ऑनर। नंबर मैच करने से किलर मैच नहीं हो जाता। तो फिर इस नंबर का क्या मतलब है 124A? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप मुझसे यह सवाल कर रही हैं। योर ऑनर, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124A, सेंटेंस फॉर सेडिशन, सजा राजद्रोह के लिए। आसान शब्दों में, जब कोई अपनी हरकतों से देश के खिलाफ साजिश करे। That's right, Your Honor, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। हम सब जानते हैं कि उस इंटरव्यू में स्वामी जी कुछ नेताओं का नाम लेने वाले थे। हो सकता है कि किसी ने इसी की सजा उन्हें दी हो और उनके हाथ पर वो सेक्शन नंबर लिखा हो। 124A एक आईपीसी का सेक्शन है या किसी का फ्लैट नंबर, ये तो वक्त ही बताएगा। उससे पहले आइए त्रिशिका के एक और झूठ को झूठा साबित कर दें। मेरे अगले गवाह पर्दाफाश के कैमरामैन सत्यम त्रिवेदी। हर बात पर झूठ क्यों बोल रही हो तुम? देखो, ऐसे झूठ बोलती रहोगी तो तुम्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी सवाल पूछा जाए सच सच जवाब दो। सत्यम, त्रिशिका का कहना है कि वो स्वामी अग्निदेव को बिल्कुल नहीं जानती थी, वो उस इंटरव्यू में उनसे पहली बार मिल रही थी। नहीं नहीं मैम, ये तो इम्पॉसिबल है। स्वामी अग्निदेव जी ने वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
सैकड़ों शोज को छोड़कर हमें सिर्फ इसीलिए दिया सर, क्योंकि वो त्रिशिका और उसके फादर को अच्छी तरह से जानते थे। उनकी जमशेदपुर के दिनों से इनके परिवार से काफी अच्छी पहचान थी। बल्कि सर, जब त्रिशिका शहर में आई थी तो स्वामी अग्निदेव जी ने उसे काफी सपोर्ट किया था। सपोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता योर ऑनर, क्योंकि त्रिशिका के बयान के मुताबिक स्वामी जी और इनका कोई ताल्लुक नहीं था। आपसे ज्यादा मैं आपके क्लाइंट को जानती हूँ केडी, और इसका सबूत ये चेक्स की फोटोकॉपीज जो स्वामी अग्निदेव ने त्रिशिका की मदद करने के लिए उसके बैंक अकाउंट में डाले। ये सब साजिश कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए, ये सत्यम तो नास्तिक है। स्वामी जी को ढोंगी बोलता था और ये रोशनी मुझसे नफरत करती है क्योंकि इसकी बहन की जगह मुझे एंकर बनाया गया। और ये नाइडो तो रोशनी का पिट्ठू है, जो भी ये बोलती है उसके कहने। ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव योरसेल्फ यराना। आज अदालत में सिर्फ एक ही सच उभरा है और वो ये है कि त्रिशिका झूठ बोल रही है। जब से ये केस शुरू हुआ है त्रिशिका ने झूठ पर झूठ बोला, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और वो ये है कि स्वामी अग्निदेव का खून त्रिशिका ने किया है। Your attention please, मैं काउंसिल से कुछ बात करना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है केडी? तुम्हारा मुवक्किल बात बात पर झूठ बोलने जा रहा है। This is very serious. मैं चाहूं तो अभी इस केस का फैसला सुना सकता हूं। Your Honor, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि वो झूठ क्यों बोल रही है। प्लीज एक बार उसे समझाने का मौका दीजिए। समझाओ ना उसे, ये अदालत है, यहां हर बोला लफ्ज रिकॉर्ड किया जाता है। Right, Your Honor. Thank you. इस केस के फैक्ट्स मेरे पहले दो सवालों से जुड़े हैं। कमरे में वो गैस कहां से आई और वो कत्ल वाला चाकू इस वक्त कहां है? जब तक इन सवालों के जवाब आप दोनों में से किसी को नहीं मिलता, तब तक इस केस पे आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलती रहोगी तो मैं अदालत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपसे झूठ कब कहा? मैंने तुमसे पूछा था कि 124A के साथ तुम्हारा क्या नाता है, तुमने कहा कुछ नहीं। मैंने तुमसे पूछा था कि स्वामी अग्निदेव को तुम पहले से जानती हो या नहीं, तुमने कहा था नहीं। जबकि तुम्हारे फ्लैट का नंबर 124A है, जिसके मालिक स्वामी अग्निदेव थे, और तुम्हारा उनका रिश्ता बरसों पुराना है, ये बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? मैंने कब छिपाया? मैंने आपको बताया तो था। कब बताया था तुमने? मैंने आपको बताया था यहीं पे, इसी जगह पे केस शुरू होने से पहले। आप कैसे भूल रहे हैं? उस दिन कमरे में इंस्पेक्टर दवे ने तुमसे पूछा था कि वो फोन तुम्हारा है या नहीं, तुमने मना किया था, जबकि वो फोन तुम्हारा ही था। हाँ, वो फोन तो मेरा ही है, मैंने कहा तो था। कब बताया था तुमने? आप कैसे भूल रहे हैं? आप भी तो वहीं पे थे। मैंने पूछा ये फोन किसका है? मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता। तुझे कह रहा हूं, यू नो त्रिशिका, ये जो तुम्हारा शो है ना पर्दाफाश, बहुत ही फ्लॉप टाइप का शो है। पर्दाफाश? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है इंडिया का नंबर वन न्यूज शो है, मैं आपको रेटिंग्स भी दिखा सकती हूँ। अच्छा, तो फिर शायद मुझे उसमें तुम्हारा जो काम है, इट्स रियली बैड, बहुत गंदा काम करती हूँ। आई डोंट थिंक इट्स गुड वर्क। आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं इंडिया की नंबर वन एंकर हूँ, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, मैंने इंडियन टेली अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, मैंने सारे अवार्ड्स जीते, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और तुम्हारा ये जो नाम भी है ना त्रिशिका, I mean, what kind of name? त्रिशिका, कितना old fashioned सा नाम है। मेरा नाम त्रिशिका नहीं है, वो मैं स्कूल में ऐसे यूज कर लेती थी। एक्चुअली मेरा नाम तानिया झा है, मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हूँ।
राइट 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 एक्चुअली पता क्या है, मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि स्वामी जी का कत्ल तुमने किया है। नहीं, मैंने स्वामी जी को नहीं मारा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैंने पता लगा लिया है, पर्दाफाश इस देश के न्यूज शोज की लिस्ट में 23rd नंबर पर है। त्रिशिका झा को आज तक टीवी पर कोई अवार्ड नहीं मिला। आपको पता है मैं इंडिया की नंबर वन एंकर हूँ। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, मैंने इंडियन टेली अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, मैंने सारे अवार्ड्स जीते। और ये देखिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर भी उसका नाम त्रिशिका झा ही है। तो वो एक के बाद एक तुमसे झूठ क्यों बोल रही है? What a liar! Liar नहीं, मिसेस बिलिमोरिया, पैथोलॉजिकल लायर। ये लीजिए, पेज 181-189। झूठ बोलना उसकी आदत नहीं, उसकी बीमारी है। ऐसे लोग जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, उस परिस्थिति से निकालने के लिए फौरन झूठ बोल देते हैं, और वो भी यकीन के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। लेकिन सर, इसी यकीन से तो उसने ये भी कहा था कि उसने स्वामी जी का खून नहीं किया है। इसका मतलब ये भी झूठ है। That's a big problem, नियति। लेकिन अगर उसकी बातों में 10% भी सच्चाई है तो मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर अगर कोर्ट में माया को पता चलेगा कि इसे झूठ बोलने की बीमारी है तो हम सबको कच्चा चबा जाएगी मिसेस बिलिमोरिया, चुटकी में केस जीत जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। झूठ से बढ़कर सबूत होता है। स्वामी जी के आश्रम जाकर सबूत ढूंढना होगा, उस चाकू को ढूंढना होगा, और चाकू के जरिए असली कातिल को। एडी, मुझे तुमसे कहना ना पड़े कि इस कमरे से कोई भी सबूत यहां से वहां हुआ तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। बताना नहीं था तो बता क्यों रहे हो? अरे हाँ, बाय द वे, वो जो पहली पूछी थी मैंने तुमसे, कुछ सोचा कि वो जिद्दी इंस्पेक्टर नदी के उस पार लगे वो बड़े से आम के पास पहुंचा कैसे? नहीं, मेरे पास ऐसे बेकार के सवालों के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब तुम्हें जवाब पता नहीं। नेवर माइंड, फिलहाल मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि इस कमरे से वो चाकू जिससे स्वामी जी की हत्या हुई वो यहाँ से गायब हुआ कैसे? सब हो सकता है वो अपने कपड़े या किसी सामान में छुपाकर बाहर ले गया हो। इम्पॉसिबल, क्योंकि कमरे से जाने वाले हर आदमी की तलाशी ली गई है, यहाँ तक कि केडी और मेरी भी। He's right. सब वो खिड़की, I'm sure उसने इसी खिड़की से बाहर फेंकी होगी। नहीं नियति, कमरे के बाहर कम से कम 20 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अगर कमरे से कोई भी चीज फेंकी जाती तो उन्हें पता चल जाता। He's right, नियति। और वैसे भी मैं पूरा कंपाउंड छान कर आया हूं, बाहर कोई चाकू नहीं मिला। केडी, हमने आश्रम के बाहर चेक नहीं किया, हो सकता है चाकू आश्रम की दीवार के बाहर हो। इम्पॉसिबल है दबे। आई थिंक यहां से बाउंड्री वॉल रफली 200 फीट की दूरी पर है। इस खिड़की से कुछ फेंको और वो बाउंड्री वॉल को क्रॉस कर जाए, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। तुम्हारे लिए होगा पर मेरे लिए नहीं। पर मैं अपने कैडेट के दिनों में डिस्कस थ्रो चैंपियन था। Oh, I see. How interesting. इस डंडे का वजन चाकू जितना होगा। Possibly. अब देखो, सब एम और टेक्निक का खेल है। एक 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 मिनट नीति, थोड़ा सा स्वामी जी, थोड़ा सा आप भी। थैंक यू। ऊप्स, चोट तो नहीं लगी ना? अब देखो, सेकंड टाइम लकी दबे।
वाओ दवे, नाइस थ्रो। पूरे 40 फीट गया, पर अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री वॉल को क्रॉस नहीं किया। और तुम तो डिस्कस थ्रो चैंपियन रह चुके हो। अगर तुम ये मैनेज नहीं कर सकते तो त्रिशिका का ये मैनेज करना इम्पॉसिबल है। एनीवे चलो बाउंड्री वॉल के उस तरफ जाके चेक करते हैं। यहाँ कोई चाकू मिले ना मिले, जंगली चाकू। रुको, दबे 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 सर, दबे कमी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ दबे। सर हो सकता है ये वही कातिल हो और हमारी तरह यहाँ चाकू ढूंढने आया हो। इसका मतलब त्रिशिका बेकसूर है। You're right. या फिर वो आदमी जिसने त्रिशिका को फोन किया था पर पार्टनर इन क्राइम। You're right too, दबे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या कत्ल का हथियार बरामद हुआ? अब तक नहीं यार ऑनर। तो फिर कैसे साबित करोगे कि खून किसने किया है? क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कत्ल का हथियार नहीं कत्ल की वजह को बरामद किया है यार ऑनर। मेरे पहले गवाह स्वामी अग्निदेव के सहायक जो उस कमरे में मौजूद थे आत्मानंद। आत्मानंद जी, आप स्वामी अग्निदेव के काफी करीब थे। जी हाँ, उनके सारे मिलने वालों को मुझसे ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। क्या कभी त्रिशिका झा के पिता वरुण झा कभी स्वामी जी से मिलने आया करते थे? जी कई बार, उनके ज्यादा ताल्लुकात थे उनसे। आपके फादर करते क्या हैं? मेरे पापा एक इंपोर्टर हैं, मशीनरी पार्ट्स के। एक और झूठ। आपके फादर एक आर्म्स एजेंट हैं, जो गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस हथियार खरीदते हैं। क्या उनका स्टॉकहोम आर्म्स स्कैम में कोई हाथ है? नहीं, मेरे पापा का इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे पापा कभी स्टॉकहोम नहीं गए। स्टॉकहोम ही क्या, वो इंडिया से बाहर कभी नहीं गए। ये क्या कह रही हो त्रिशिका? चार बार तो खुद स्वामी जी उन्हें स्टॉकहोम भेज चुके थे। और ये रहा उसका सबूत, वरुण झा के पासपोर्ट की कॉपीज जिस पर स्वीडन के चार वीजाज हैं। झूठ पे झूठ त्रिशिका। मिस त्रिशिका, आप ये मत भूलिए कि आप अदालत में हैं और यहाँ सच बोलना लाजमी है। जब से आप यहाँ खड़ी आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। कमाल है, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। आत्मानंद जी, आपने कहा कि मिस्टर झा और स्वामी जी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, राइट? जी, वो दोनों जमशेदपुर के रहने वाले थे, वहीं से उनकी दोस्ती थी, बहुत ही गहरी दोस्ती। Your Honor, मिस्टर झा और स्वामी जी के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और यही मित्रता त्रिशिका की बेगुनाही का सबूत है। जरा सोचिए Your Honor, अपने पिता के वर्षों पुराने मित्र की हत्या कोई क्यों करना चाहेगा? क्योंकि मिस्टर झा और त्रिशिका को डर था
स्टॉकहोम स्कैम में स्वामी जी जो नाम लेने वाले हैं उनमें से एक मिस्टर झा का नाम। मिस्टर झा पर इल्जाम तो आपने लगा दिया, लेकिन क्या इस बात को आप साबित कर सकती हैं प्रोसिक्यूटर साहिबा? तो फिर क्यों अपनी इकलौती बेटी की जान बचाने को वो आज अदालत में नहीं, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें मलेरिया है। विल यू स्टॉप लाइंग? वो यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि उन पर गवर्नमेंट इंक्वायरी चल रही है। झूठ, वो इस वक्त शिमला में है, मेरी नानी के घर। इनफैक्ट उन्होंने मुझे आज ही सुबह फोन किया था। त्रिशिका, किस दुनिया में रह रही हो तुम? तुम्हें जेल में कोई कैसे फोन करेगा? पापा ने मुझे इंस्पेक्टर दवे के सेल पे फोन किया था। ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं, मेरे पापा का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट उस दिन इंटरव्यू वाले दिन मैं उस कमरे में ही नहीं थी। Quiet, please. I rest my case, Your Honor. But I do not, Your Honor. Your Honor, त्रिशिका के झूठ बोलने का कारण है इसकी बीमारी। She's a pathological liar. जब भी कोई ऐसी कठिन समस्या में फंसती है तो फौरन झूठ बोलती है अपने आप को बचाने के लिए, और झूठ बोलते समय इनके हाथ कुछ इस तरह से उंगलियों को मसलती है। दरख्वास्त करता हूं आपसे, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स की पूरी फुटेज चेक करिए। जब जब कृषिका ने झूठ बोला है इसने उंगलियों को मसला है। योर ऑनर, अभी भी जब प्रोसिक्यूशन के दबाव में आकर इन्होंने कहा कि हत्या इन्होंने की है तो ये अपने उंगलियां मसल रही थी। मैं नहीं मारा स्वामी जी को, मैं नहीं मारा स्वामी जी को, यानी कि ये सरासर झूठ बोल रही थी, हत्या इन्होंने नहीं की। योर ऑनर, केडी, केडी कहां खो गए हो? सॉरी माया। योर ऑनर, प्लीज मुझे कल सवेरे तक की मोहलत दीजिए। मैं ये 100% साबित कर दूंगा कि त्रिशिका ने खून नहीं किया। I object, Your Honor. Justice delayed is justice denied. Come on, माया। ओवर रिएक्ट मत करो माया। जस्टिस सिर्फ 11 घंटे डिले होगा। आई थिंक इतना टाइम तो अदालत दे सकती है केडी को। Thank you, Your Honor. वरना केस तुम जीती। Yes, Maya. देखो गड़ी, फिर से किस चीज को दबे। मैं जानता हूं ये वही डंडा है ना जो उस दिन हमने यहां से, मेरा मतलब है तुमने यहां से फेंकने की कोशिश की थी।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से चाकू कैसे गायब हुआ। स्प्रिंग, आज मेरे बॉल पॉइंट पेन में से जब रिफिल उछल कर बाहर निकला तो मुझे आइडिया है। वॉच, वाओ, 200 फीट दूर कंपाउंड की दीवार से बाहर जंगल में। हाँ, और जाकर वहीं चाकू के आसपास ही गिरा होगा। चलें देखें। हमारा चाकू ये रहा, इसका मतलब असली चाकू भी यहीं कहीं होगा। आई होप उस आदमी ने इसे हमसे पहले ना ढूंढ लिया, पर सर यहाँ पर तो कोई चाकू नहीं दिख रहा। चाकू नहीं दिख रहा क्योंकि हम सब बेवकूफ हैं। ये लकड़ी है इसलिए यहाँ आकर नीचे गिरा, और अगर इसी वेलोसिटी, इसी प्रोजेक्शन से चाकू को शूट किया जाए तो वो जमीन पर नहीं पेड़ों में जाकर अटकेगा। सब यार जीनियस। आओ देखते हैं। उतारता हूं से। ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। ये पढ़ो। नीति जरा अपना शॉल देना। सर शॉल क्यों? ठंड लग रही है मुझे इसलिए। अरे आप, अरे आप, जाओ पेड़ के पीछे छुप जाओ। कुछ ढूंढा थो का? तुमसे मतलब? कौन हो, चाकू तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? तुमने यहाँ कोई चाकू देखा क्या? दिक्कत रहा हमका, हमरे पास ही है। अच्छा, लाओ तो मुझे। काहे दे, कुछ लेन वास्ते कुछ देना पड़ता है। पैसा कितने चाहिए? उस चाकू के लिए मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। 10,000 रुपया। 20,000 दूंगा, पहले मुझे चाकू दो। लाओ तो। एक साधारण सी चाकू के लिए 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है कैमरामैन सत्यम? केडी तुम? जी मैं, और तुम्हारा तो पैकअप हो चुका कैमरामैन सत्यम। कोई फायदा नहीं सत्यम, बस वेल डन दवे। वैसे यार क्या कूदे तुम? स्कूल में हाई जंप चैंपियन भी थे क्या? एनीवे, लेट्स गो। उस दिन स्वामी अग्निदेव जी एक स्टेट के मिनिस्टर शंकर दुबे जी का नाम इस कैंप में लेने वाले थे। शंकर दुबे जी ने उस काम के लिए 4 करोड़ रुपए दिए।
और ये काम किया मैंने। अपने वीडियो कैमरे से जिसमें मैंने हेलोथिन गैस का एक छोटा सा कंटेनर, एक गैस मास्क, स्प्रिंग मैकेनिज्म और एक चाकू छुपा कर रखा था। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ मैंने बटन दबाकर गैस रिलीज कर दी। सर, चूंकि मैंने 11 साल योगा किया है इसलिए अपनी सांस को रोकने में मैं बहुत माहिर हूं। मैंने तब तक अपनी सांस को रोके रखा जब तक कि सारे लोग बेहोश नहीं हो गए। फिर मैंने तुरंत जल्दी से गैस मास्क पहना और चाकू से स्वामी जी की हत्या कर दी। और उनके हाथ पर 124A लिख दिया जो कि त्रिशिका के फ्लैट का नंबर है जिससे सारा का सारा शक त्रिशिका पर चला जाए। उसके बाद मैंने स्प्रिंग में चाकू डालकर उसे बाहर उड़ा दिया। और फिर त्रिशिका के हाथों पर खून लगाया, अपना मास्क निकाल के कैमरे में छुपाया और जाकर अपनी जगह पर लेट गए। जब सबको होश आया तो किसी दोस्त से, एक अननोन नंबर से कृषिका के फोन पर फोन किया और इसे फंसाया। लेकिन तुमने सबको छोड़ के त्रिशिका को ही क्यों फंसाया? क्योंकि योर ऑनर, सत्यम इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि त्रिशिका और इनके पिता की स्वामी जी के साथ हिस्ट्री जानकर कोई भी त्रिशिका पर शक कर लेगा। इन सब में से त्रिशिका वाज द मोस्ट आइडियल टारगेट। सर, त्रिशिका बेगुनाह है। सर, खून मैंने किया है। थैंक यू। वेल डन सर, यू वर ग्रेट। थैंक यू केडी, आपने मुझे पचा लिया। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, बाय द वे, ये मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर मैक का कार्ड है, तुम्हें इलाज में काम आएंगे। लेकिन मुझे इलाज की जरूरत है और मैं जरूर जाऊंगी, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। I know. All the best. Thank you. केडी, एक मिनट। दवे, माय फ्रेंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। वो पुलिस वाले और पेड़ की मिस्ट्री तो बता दो। मैं 2 दिन से सोया नहीं, उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर कैसे वो पुलिस वाला नदी क्रॉस किए बिना पेड़ से आम तोड़ सकता है। दवे, इट्स वेरी सिंपल। पुलिस वाला है यानी कि कानून का रखवाला, और तुम तो जानते ही हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। Got it? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.